रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। चैप्टर नंबर 3 है हमारा CSS PMS की वर्ल्ड बाय जो बुक है हमारे पास वर्ल्ड टाइम्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें से हम लोगों ने 2 लेसन पीछे कवर किए हैं, कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसको मुख्तलिफ जो है लेसन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी है हमारे पास, क्योंकि इसका नाम था मैस कम्युनिकेशन थ्योरीज, तो मैस कम्युनिकेशन की जितनी भी थ्योरीज थी वो इस चैप्टर में है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, लाजमी तौर पर क्वेश्चन आता है। पीछे हम लोगों ने नॉर्मेटिव थ्योरीज भी कम्प्लीट की थी, ठीक है, और एक दो टॉपिक और कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है स्पायरल ऑफ साइलेंस, ये क्या थ्योरी होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि स्पायरल ऑफ साइलेंस जो थी वो प्रेजेंट 1974 में की गई थी, और ये एल्सबेथ न्यूलैंड नॉर्मन ने प्रेजेंट की थी, ठीक है। स्पायरल ऑफ साइलेंस के जो करेक्टरिस्टिक्स थे इसमें इनका कहना यही था, बहुत से लोग होते हैं, बल्कि आप लोगों ने खुद भी किया होगा कि बहुत से लोग, या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अक्सर आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों में बैठे हो तो 3-4 लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एक बंदा ना दिल में सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वो इसलिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार नहीं कर पाता कि कहीं जो है लोग उसके साथ अगेंस्ट ना चले जाए, उसके साथ ऑपोजिशन करें, उसके जो कमेंट हैं, उसके जो आर्गुमेंट हैं सारे उसके अगेंस्ट आएँ, सारे उसके अगेंस्ट बोलें, तो वो फिर होता है कि इस तरह तो मैं जो है सोशली तौर पे आइसोलेट हो जाऊंगा, क्योंकि सारे लोग मेरे मुखालफत करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है। तो ये स्पायरल ऑफ साइलेंस थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं बोलते, एक तो उन्हें डर होता है आइसोलेशन में जाने के, दूसरा इन्हें डर होता है मतलब लोगों के जो है वो इख्तलाफ, लोग इससे इख्तलाफात ना करें, वो मतलब के सोशली तौर पे आइसोलेशन हो जाएगा। तो ये इसको ड्रा करके बताया गया है कि एक पर्सन है, उसके अंदर एक डर है, एक वो आइसोलेट ना हो जाए, उसे आइसोलेशन में ना जाना पड़ जाए, कि लोग उसकी बात के जो है मुखालफ हो जाएंगे, लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद नहीं करेंगे। तो ये स्पायरल ऑफ साइलेंस है, जिसमें कि एक इनको मैं आपने एक्सप्लेनेशन देनी है इस थ्योरी की, फिर आपने इसको ड्रा करना है, फिर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स में वही बात आएगी कि जो सोसाइटी में एक मेजोरिटी राय होती है, कुछ लोगों की राय जो होती है वो मिनोरिटी में चले जाती है, तो मिनोरिटी में जो राय होती है वो ज़्यादा बोदर नहीं होती, फिर उन लोगों में थोड़ा सा क्या होता है सासे कमतरी भी आ जाता है कि हम इग्नोर हो रहे हैं, तो हम इग्नोर हो रहे हैं इसलिए इग्नोर ना किए जाए, हम लोग हमारी बात के खिलाफ ना हो कोई बात, इसलिए वो जो है इस बात से थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखना है कि इसके वीकनेसेस क्या है, इसके वीकनेसेस वही हैं कि एक तो बंदा एडवांटेजेस इसके यही हैं, तो एक तो बंदा जो है वो उसकी जो होते हैं फियर होते हैं उसके ऊपर ओवरकम करने की चलो कोशिश की जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस, अच्छा इसमें एक ये भी बात है कि करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं ना वो लिमिटेड हो जाते हैं टाइम और स्पेस के लिहाज से, जाहिर सी बात है फिर टाइम भी बच जाता है कि बहुत से जो मिनोरिटी में लोग होते हैं वो अपनी बात का जिक्र ही नहीं करते, ठीक है। वीकनेस और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम लोग, तो इसमें यही है, एक तो इसमें जो है आपको पता है कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो 2-वे प्रोसेस होता है, उसमें एक ग्रोथ होती है बढ़ने की, लेकिन इसमें क्या है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को लिमिटेड कर दिया गया है इस थ्योरी की वजह से, इसको जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें लोग डर और खौफ का शिकार होते हैं आइसोलेशन होने की वजह से। नीचे इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है, एक तो उन्होंने एग्जांपल दी है कि जब हिटलर का दौर था तो तब